फ्रेंड्स, तो सुबह की वाली इच्छा है। गुड मॉर्निंग, जय माता दी। आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं सबसे पहले, क्योंकि नवरात्रि चल रही है, तो सबसे वैसे भी 12 महीने ही सबसे पहले यही काम होता है कि झाड़ू पोछा का। तो सभी लोग अभी सो रहे हैं, मैं उठ गई हूँ सुबह के बजे ही 5 और लगा रही हूँ झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद मैं बाहर धुलाई करूँगी, क्योंकि जैसे गाँव में होता है तो नवरात्रियों के मौसम में सब लोग गोबर से लीपते हैं दरवाजे पे, तो इसी तरह से यहाँ पे भी मैं सबसे पहले झाड़ू लगाऊंगी, पूरे घर में पोछा लगाऊंगी और बाहर धुलाई करूंगी। तो मैं बाहर धुलाई कर रही हूँ अच्छे से, और इसके बाद फिर मैं दूसरा काम करती हूँ। तो ये साफ सफाई करने के बाद ही सुबह से, जैसे ही मेरी ये धुलाई लई हो जाएगी, वैसे मैं नहाऊँगी। नहाने के बाद पूजा करूँगी, पूजा करने के बाद फिर चाय बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने धुलाई करती है और मैं, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जय माता दी। क्योंकि नवरात्रि चल रही है, आप सभी लोग मंगलमय हों और आप सभी का परिवार मंगलमय रहे, तो इसलिए आज मैं गई थी मंदिर। तो वहाँ पे 2-4 दुकानें लगी थी, तो मैं कुछ सामान लाई हूँ। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ मैं क्या क्या सामान लाई हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और वीडियो को पूरा देखिए। जो नए व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब करें, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। तो मैं स्टार्ट करती हूँ कि मैं क्या क्या सामान लाई हूँ मंदिर से। तो फ्रेंड्स, कुछ आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं अपने मायके की कुछ झलक दिखाऊँगी आप लोगों को कि मेरा मायके घर कैसा है। और तो इसलिए मैं, अभी पूरा वीडियो नहीं था मेरे पास, थोड़ा सा था, तो मैंने कहा चलो अभी दिखा देती हूँ। जब जाऊँगी तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अपने भाभी से मिलाऊँगी, भतीजे और भतीजियों से मिलाऊँगी, और आपका अपना मायका पूरा दिखाऊँगी आप लोगों को कि मेरे मायके वाले कैसे हैं, मेरा मायके का मकान कैसा है, घर कैसा है। तो फ्रेंड्स, अब मैं शुरू कर रही हूँ, मैं क्या क्या सामान मंदिर से लाई हूँ तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं नहा धो के रेडी हुई और मैंने पूजा कर ली है, आप देख सकते हैं। पूजा करने के बाद ही फिर मैं जाऊंगी चाय बनाने के लिए, क्योंकि नवरात्रि चल रही है, इसके बाद में काम के साथ। तो मैं अपना दूध रेडी हो गई हूँ और मैं कर रही हूँ पूजा। तो मैंने माता रानी की जोत जला दी है और अब इसके बाद जाऊंगी अपना चाय वाय बनाने के लिए, क्योंकि बज रहे हैं 6:30। तो अब मैं बनाऊंगी चाय। जय माता दी, जय माता दी। फ्रेंड्स, तो फिर इसके बाद मैं एक 2-4 दुकानें लगी हुई थी, देख सकते हैं, 50 रुपीज़ का। और ये मैं छोटा सा वैसलीन लाई, क्योंकि अब सर्दियाँ पड़ने लगी, हाथ पैर फटते हैं, तो इसके लिए मैंने सोचा कि चल छोटा वाला ले लेती हूँ ये वैसलीन। तो मैं छोटी सी एक वैसलीन की डिब्बी लाई हूँ, और मैं ये दो मेहंदी के कोन लाई हूँ, क्योंकि करवा चौथ आ रहा था, तो मैंने सोचा रख लेती चलती हूँ, लगाने के लिए हो जाएगा, तो इसलिए फिर मैं 2 मेहंदी ये कोन ले आई हूँ। और फ्रेंड्स, मैं ये नेल पेंट लाई हूँ, ये देखिए, और एक दूसरी वाली ये लाई हूँ, 2 कलर की लाई हूँ मैं, ये मैं 2 कलर की नेल पेंट लाई हूँ। तो आप लोग बताइए आपको कैसी लगी मेरी नेल पेंट। और ये रबड़ लाई हूँ मैं 3 कलर की, उसके पास 3 ही कलर की रबड़ थी, तो मैंने सोचा चलो तीनों ले लेती हूँ, तो मैं तीनों ये रबड़ ले आई हूँ। ये सामान लाई हूँ वहाँ से, मेले से, मतलब मेला नहीं, 2-4 दुकानें लगी थी, क्योंकि कोरोना की वजह से इस बार मेला नहीं लगा है, और 2-4 दुकानें दूर दूर लगी हुई थी, तो उन्हीं से मैंने ये थोड़ा सा सामान ले लिया, क्योंकि वैसे मार्केट जाने का टाइम नहीं मिल पाता, तो मैंने सोचा चलो यहीं से ले लेती हूँ, क्योंकि नवरात्रि के टाइम
चल रहा है तो जैसे मंदिर वंदिर जाओ टाइम लग जाता है, फिर खाना बनाओ, नाश्ता बनाओ खाना, और फिर ऐसे ही टाइम निकल जाता है तो इतना टाइम नहीं लग मिल पाता, तो मैंने इतना ही सामान खरीदा है। तो आप लोग तो बताइए मेरा सामान कैसा लगा, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। फ्रेंड्स ये मेरा मायके का घर है, आप देख सकते हैं, एक ये किचन है। आप लोग बताइए आपको मेरा मायके का ये रूम कैसा लगा। गैलरी है, उसके बाद ही रात में बाहर जाने के लिए ही सामने चैनल लगा हुआ है। एक दरवाजा बाहर इस साइड से भी है, बाइक पे भी है, जीना है बगल से, और ये सामने गेट है, मेन गेट यही है, ये खुला रहता है, वो वाला चैनल बंद रहता है। ये मेन गेट से हम लोग अंदर आते हैं, और जैसे ये है लॉबी, उसके बाद हम दूसरे रूम में आए हैं। एक रूम ये है, एक बेडरूम ये है, एक रूम ये है, ये बगल में आंगन है, ऐसी लगी है आवाज़ की क्लास से आपको दिख रही होगी, ये है आंगन। तो वहाँ पर अंधेला था इसलिए मैं आंगन के अंदर साइड नहीं गई, पर फाइबर लगा हुआ है तो बंद है। ये है